दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आप एक सीसीटीवी वीडियो देखने वाले हैं जिसमें एक कार वाले पड़ोसी ने अपने ही बाइक सवार पड़ोसियों को पीछे से टक्कर मारी है। देखिए, ये टक्कर मारी है और भाग गया है, टक्कर मारी है, भाग गया है। बाकी हम लाइव आ गए हैं जहाँ पर दुर्घटना हुई थी और जिसके साथ दुर्घटना हुई थी वहीं पर है। और यह है फरीदाबाद सेक्टर 57 का एरिया, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन, और यहीं पर दुर्घटना हुई थी। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है और एक पड़ोसी ही पड़ोसी को ठोंक सकता है। अभी बताएंगे किसको यहाँ पर चोट लगी है, बाइक पर कौन सवार था और कार पर कौन सवार था जिसने इनको ठोका है। ये बाइक थी, बाइक का नंबर अगर दिख सके तो दिखाइए, HR50D4202, ये नंबर है इनका, पीछे से दिखा देते हैं। इसी को ठोका गया था। आप लोग जुड़े रहें, एक बड़ी गंभीर घटना है। HR50D4202 यही बाइक थी। देखिए आगे से पीछे से इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर ठोका गया होगा इसको और ये बाइक काफ़ी दूर जाकर गिरी। अब पता करते हैं बाइक पर कौन सवार था। कौन था भैया बाइक पर? आप थे? चोट बहुत ज़्यादा लगी है, दिखाओ थोड़ा, चोट दिखा दो इनकी। देखिए पूरा नाक वाक की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन हुआ है। और कौन सवार था? एक और लड़का था, मेरे छोटा भाई था। आप बताइए क्या क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है और ये मेरे फादर हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मेरे भाई भी साथ में थे। यहीं पर दुर्घटना हुई थी? यहीं पे हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ टक्कर लगी है और कहीं पीछे, और वहाँ जाके गिरा है वो। ये वाला खंबा है जो यहाँ पे एक कैमरा है, उससे अगला एक कैमरा है, वहाँ पे जाके आप दो CCTV जो दिखाई है तो वहाँ पे है वो लास्ट में जाके जो गिरा है। और ये बताइए भैया कब की बात है ये? ये 9 तारीख के 9:30 से रात के 10 बजे तक की बात है जो एक्सीडेंट हुआ है। और ये पास में ही रहने वाला FIT में ही, हमारे पड़ोस में ही रहता है, प्रेमचंद नाम है लड़के का। और वो दारू पी के ना काफी गाड़ी चलाया करता था। उससे फादर ने भी बोला था कि भाई बच्चे खेलते हैं या जाते हो और भी कोई है, टक्कर लग जाएगी, तुम कम चलाया करो गाड़ी, धीरे चलाया करो। तो बंदा नहीं माना, उसने गाली गलौज करी उस टाइम भी और वो निकल गया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर छोटे भाई की भी, जिसका जो पापा के साथ थे उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसने भी बोला था कि भैया इतनी तेज गाड़ी मत चलाया करो पी के, यार यहाँ वही बच्चों का इशू है या हम भी चल रहे हैं, मम्मी पापा मतलब लेडीज काफी वो है। तो लेकिन उस बंदे ने उससे भी बहस करी उस टाइम, थोड़ी सी कहा सुनी के बाद उसने बोला आजा तुझे भी बताता हूँ, तू भी आइयो किसी दिन इसके नीचे, तुझे बताता हूँ सबसे पहले। तो टक्कर मारने की धमकी दे के वो बंदा वहां से निकल गया। हमने ऐसे ही सीरियसली नहीं लिया कि पीता है वो करता है, इतनी बड़ी बात कहाँ खींचे कि भाई थाने में भी जाएं, क्योंकि ऐसी कोई वो नहीं थी इंटेंशन हमारे दिमाग में। आपके घर से प्रेमचंद? वो ज्यादा से ज्यादा 8-10 घर छोड़ के ही उसका घर है। आपका कहना है ये अक्सर दारू पीकर गाड़ी चलाता है? अक्सर, हाँ जी। और कोई मना करता है भाई स्लो चलाइए, कहीं किसी को आप मार ना दें, कोई दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, तो मानता नहीं है, गाली गलौज करता है, धमकी देता है, धमकी देता है। अच्छा। और फिर उसी रात को जब एक्सीडेंट हुआ है 9:30 से 10 बजे के बीच में, तो रोज की तरह जैसे अधिकतर भाई मेरा डेली काम करता है, तो वहां से अपना वापस आ रहा था ड्यूटी से, तो फादर मेरे लेने जाते हैं, उसको पता है सारी चीजें। जब यहाँ पहुंचा होगा तो पीछे से फुल स्पीड में थी गाड़ी, उसने जब टक्कर मारी है, और मैंने जो दिखा दिया वहां जाके गाड़ी पड़ी है, उनको बहुत ही मेजर चोटें भी आई है। और उसके बाद फिर वो बंदा मार के भाग गया अंदर FIT में। अगर वो बंदा, उसकी इंटेंशन नहीं होती, इतना लंबा चौड़ा रोड पड़ा है, अगर ओवरटेक ही कर रहा होता तो इस कोने में थोड़ी ना ओवरटेक होता है। हाँ, थोड़ा हम दिखा भी देते हैं, थोड़ा कैमरा में दिखाइए, पहले उधर से रोड दिखाइए कितना चौड़ा रोड है, घुमा के कैमरा ये देखिए। आप लोग, ऑटो आ रहा है, अगर कार वाला ओवरटेक उसको करना था तो इधर से करना था, लेकिन उसने यहाँ पर हिट किया है। आपका कहना है यहाँ पर हिट किया जो साइड में है रोड के, और बाइक वाले अक्सर साइड में चलते हैं। भाई बाकी बातचीत कर लेते हैं जिनको चोट आई है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, हाँ जी। अच्छा, उस दिन आप बाइक से आ रहे थे, मैं तो लड़का कहीं वो आपका पीछा तो नहीं कर रहा था? मैं लड़का को लेने जाता हूँ डेली, और इसकी गाड़ी पीछे से आ रही थी, और मैं बहुत धीरे से बाइक चला रहा था, अपना फुटपाथ के साथ में था, तो इसने गाड़ी मारी थी। गाड़ी मार के मैंने देख भी लिया कि ये बंदा है,
और ये वहाँ से भाग गया। आप उसको पहचान भी गए? मैं पहचान भी वही है, पड़ोसी है, वही है पड़ोसी है। हाँ जी, प्रेमचंद है। वो यहाँ पर रुका था टक्कर मारने के बाद? नहीं रुका जी, मेरे सिर में दर्द है। सिर में दर्द है, बात नहीं कर सकते। और इनको पकड़ो भैया थोड़ा सा। देखिए दुर्घटना स्थल पर इनको लाना जरूरी था, क्योंकि यही बता सकते हैं उस दिन हुआ क्या था। अभी बोल नहीं सकते, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये साइड में आ रहे थे, स्लो रफ्तार से आ रहे थे बेटे को लेकर, और उसने पीछे से टक्कर मारी है। अब सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कार ने साइड में आकर टक्कर मारी है, और ये लोग उड़ कर करीब 20 मीटर दूर जाके गिरे हैं, इनका कहना है। हालांकि भगवान ने जान बचाई, लेकिन हड्डी टूट गई है, और एक और युवक है उसको भी काफ़ी चोट आई है। अब श्रीधरा जी, हाँ अब बताइए, पुलिस में गए आप, शिकायत किया? बिल्कुल, पुलिस में गए थे हम। हाँ। काफ़ी टाइम तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं थी, लेकिन ACP साहब से बात होने के बाद फिर इन्होंने 3 दिन बाद पर्चा दर्ज कराया, और वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उनका फ़ोन भी आया है उसके बाद, एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही जी। रिकॉर्डिंग भी है हमारी उनके पास कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन हमने मना कर दिया, तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ उस टाइम तक। जब हमने ACP साहब से बात करी है, उन्होंने फिर पर्चा दर्ज करवाया है। उसके बाद भी जो उन्होंने एक्ट लगाए हैं, वो नॉर्मल एक एक्सीडेंट के लगा के रख दिए हैं। और हम जब वहाँ गए हैं कि भाई 307 भी लगती है, मारने की कोशिश है, और 325 लगती है, हड्डी टूटी है, तो वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं कि नहीं, ये एक्सीडेंटल केस है। जबकि IO जब हम शुरुआत में गए थे तो उन्होंने ही बोला था कि हाँ 307 लगेगी, पक्का लगेगी, कोई वो नहीं है। लेकिन एक जमशेद हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, 143 FIR नंबर है, और जो सेक्शन लगे हैं 279 और 337, ये सेक्शन लगे हैं। और आपको कहना है 307 लगाए, 325 लगाए, और आरोपी को पकड़े और उसको सजा दी जाए, ताकि वो किसी के साथ दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। आपकी यही मांग है पुलिस? मेरी यही मांग है, क्योंकि 307 और 325 मैं कोई अपने मुंह से नहीं कह रहा कि भाई ये आप लगाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो आप देखिए तो सही। सबसे पहले रोड भी दिखा दिया, उसकी इंटेंशन भी, वो पूछ रहे इंटेंशन उसकी तब होती जब गाड़ी पीछे से दोबारा मारने के लिए आती, तो ये समझ में नहीं आती 307 होती क्या है। अभी तो आपका कहना है उसने जानबूझकर जान से मारने का प्रयास किया है, टक्कर मारी है, और वो इसी कोशिश में था कि टक्कर मारो, इनकी जान चली जाए, ये खत्म हो जाए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, और फिर 307 लगाई जाए और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए, आपका ये कहना है? और पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ 279-337 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, नॉर्मल केस है, वो आसानी से बेल पर बाहर आ जाएगा। तो आपका कहना है फिर से वो ऐसी दुर्घटना कर सकता है, क्योंकि दारू पीकर वो गाड़ी चलाता है? जी बिल्कुल, आगे से हमारे साथ भी, किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन हमें अपना खतरा है, दोबारा हमारे साथ करेगा फिर दोबारा? उसके तो ये हौसले इतने बुलंद हो गए कि भाई कुछ करने से होता ही नहीं है, वो दोबारा कर देगा फिर छूट जाएगा, उसे पता है ऐसे ही होना है। ये भी हो सकता है फिर इस क्राइम का मिसयूज होने लगे, क्योंकि तो किसी को भी टक्कर मार देंगे, वो बोलेंगे दुर्घटना हो गई और बेल मिल जाएगी उनको। ऐसा होता नहीं है किसी के साथ कि भाई पिछली कोई रिकॉर्डिंग करके, मैं आप बात कर रही है ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन नॉर्मली किसी से नोकझोंक हो जाती है, वो कौन रिकॉर्ड करने बैठा है? वही पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है ऐसी, कहां से रिकॉर्डिंग लाए? और ऐसे अगर कोई पहली बार में ऐसे कांड करके चला गया, तो यानी कि वो पहला खून उसके लिए माफ है, या मारने की कोशिश भी करिए तो उसके लिए सब माफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो लोग टक्कर मार के मारने लगेंगे, लोग मारने लग जाएंगे, जाने लग जाएंगे, तो ये मिसयूज होगा एक तरह से, जो भी हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसका मिसयूज होगा, कि लोग किसी को भी टक्कर मार देंगे और किसी की जान ले लेंगे, किसी के हाथ पैर तोड़ देंगे, किसी की हड्डी तोड़ देंगे, और आसानी से वो बेल पर बाहर आ जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं होगी, इनका यही कहना है। आगे ऐसा कुछ होता है दोबारा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? सर जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि अगर ये इस पे अगर एक्शन नहीं लिया गया तो सभी की सभी ऐसे करने लग जाएंगे, जिसको जिससे दुश्मनी है वो ऐसे ही निकालेगा, उसको पता है कि प्रशासन कुछ करने वाला है नहीं, और नॉर्मल केस लगेंगे, वो आराम से बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, और अपना मकसद पूरा हो जाएगा। तो प्रेमचंद का एड्रेस क्या होगा? प्रेमचंद का हमारे FIT के अंदर। आपका एड्रेस क्या है? हमारा आप बता दो, क्यों दिक्कत? हमारा क्या नाम क्या है? अमित नाम है मेरा। बताइए हमारा एड्रेस है, फर्स्ट फ्लोर E4 ब्लॉक ई है, FIT सेक्टर 57। कितना दूर है वो आपसे? 50 मीटर के समथिंग होगा, अगली गली में, अगले ब्लॉक में। गाड़ी का नंबर क्या है? जिस गाड़ी का नंबर है DL2CAT8437 DL2CAT
8437। तो इससे सावधान रहें, ये दारू पीकर गाड़ी चलाता है और लोगों से झगड़ा करता है। कोई इसको समझाता है, भाई धीरे से गाड़ी चलाओ। हम भी गाड़ी चलाते हैं लेकिन आराम से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये जो है झगड़ा करता है। अगर कोई नहीं मानता तो ये उसको पीछे से टक्कर मार देता है। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और पुलिस को चाहिए कि इसका डीएल कैंसिल किया जाए ऐसे लोगों का, जो धमकी भी देते हैं फिर टक्कर भी मार देते हैं और बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। तो इन पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सर, एक बात और है, अभी ना तो कोई गाड़ी जब्त की गई है, ना बंदा पकड़ा गया है, ना बाइक की कोई फोटो तक भी नहीं लेके गए हैं। एक्सीडेंट के उस पर ये भी नहीं देखा कि कहां से कहां तक टक्कर लगी है। हम ही जब वहां पे गए हैं कई बार, तब बंदा एक आया है जमशेद नाम का, और आईओ हमारा विजय, जो हमारे केस में आईओ है विजय, वो चुप बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जमशेद नाम का है, वो घर तक गया है उनके, वहां से उन्होंने जांच पड़ताल की है। इनकी यही मांग है कि कार्रवाई की जाए और इस मामले को हल्के में ना लिया जाए। जो भी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे यही मांग इन लोगों की, सख्त एक्शन लीजिए, क्योंकि उन्होंने जानकर टक्कर मारी है और जानबूझकर उन्होंने एक तरह से अटैक किया है। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ये पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हमने आपको सेक्टर 57 FIT फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन से लाइव रिपोर्ट दिखाई है। देखिए दुर्घटना हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, लेकिन जो दुर्घटना करता है, गाड़ी से उतरता है, अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है और दूसरे को भरोसे में लेता है, ट्रीटमेंट कराता है और भी जो कुछ आर्थिक मदद होती है वो भी करता है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को टक्कर मार कर भाग जाए, वो भी पड़ोसी है, उसको आना चाहिए था घर पर और बताना चाहिए था भाई दुर्घटना है या कैसे किया है। अगर वो जो है माफ़ी वाफ़ी मांग लेता है, इनको भरोसे में लेता है, इनको समझाता कि वाकई में ये दुर्घटना ही थी, तब जाकर हो सकता है ये कन्विंस हो जाते और इस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग ना करते। लेकिन ऐसा कुछ उसने किया नहीं, आप लोगों का कहना है, कभी ना घर पहुंचा, ना माफ़ी मांगी, ना इलाज कराया, बस भाग गया और अभी भी सीना तान कर घूम रहा है और उसको ये लग रहा है पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी और ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या कह रहे थे आईओ हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। चलो ठीक है, ये पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम नहीं चाहते कि आप बगैर सबूतों के किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलें। बाकी हमारा